शिपिंग में कितना पैसा लगेगा एजेंट को हम कितना कमीशन देंगे इंश्योरेंस का कितना पैसा लगेगा मैं तो वेपन्स इंपोर्ट करता हूं मैं तो हथियार इंपोर्ट करता हूं चीटिंग हो जाती है कई बार इंडियंस के साथ कि आपको नॉलेज है नहीं आपने इंपोर्ट करना शुरू किया और आपने वहां पेमेंट प्रॉफिट इंपोर्ट करने से नहीं होता प्रॉफिट इंपोर्टेड मेटीरियल को उस देश में हमारे कानून नहीं चलते और हमारे देश में उस देश के कानून नहीं चलते तो कानून कौन चलते हैं जो दिस वीडियो इज पावर्ड बाय मेटास लाइफ स्टाइल इंडिया मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेनलेस स्टील मॉडुलर किचन बाथरूम वेनिटी वार्डरोब्स एंड स्टील इंटीरियर फ्रेंचाइजी शोरूम पैन इंडिया दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर अमित माहेश्वरी मैं सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर हूँ मेटास ओवरसीज लिमिटेड कंपनी का हमारी कंपनी स्टेनलेस स्टील मॉडुलर किचन का एक्सपोर्ट करती है इसीलिए कमेंट में कई सारे लोगों ने कहा कि सर जब भी आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर वीडियो बनाते हैं ना आप कहीं ना कहीं फोकस एक्सपोर्ट पर करते हैं हम जानना चाहते हैं इंपोर्ट के बारे में तो फ्रेंड्स एक बात को अच्छे से समझ लीजिएगा मेरी कंपनी जो मॉडल किचन को एक्सपोर्ट करती है उसको बनाने के लिए बहुत सारा मेटेरियल हम इंपोर्ट भी करते हैं बैलेंस को हम लोग बनाए रखते हैं हम सारा का सारा हार्डवेयर जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं हम काफी सारा मेटेरियल चाइना से इंपोर्ट करते हैं हम ताइवान से इंपोर्ट करते हैं कुछ मेटेरियल हम इटली और कोरिया से इम्पोर्ट करते हैं तो हम जो मेटेरियल इंपोर्ट करते हैं और उसके साथ इंडियन प्रोडक्ट्स को मिक्स करके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं आज मैं विषय पर बात करने वाला हूं कि अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके क्या तरीके होंगे किस तरीके से आप एक बेहतर इंपोर्टर बनकर और पूरे इंडिया में काम करकर कर अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जा सकते हैं तो बात करते हैं हाउ टू तो स्टार्ट इंपोर्ट इन इंडिया ध्यान रखिएगा भारत जैसे देश में ना कंजम्पशन हर चीज की बहुत ज्यादा है कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया में अगर देखा जाए तो 75 परसेंट इलेक्ट्रॉनिक गुड जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं जो पूरे इंडिया में बेचे जाते हैं और केवल 25 परसेंट मार्केट शेयर जो है ना वो बाकी कंट्रीज़ का है मतलब हम चाइना के सबसे बड़े क्लाइंट भी हैं यहाँ पर जितना मेटल इम्पोर्ट होता है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में होता है और आप देखेंगे हर दस में से सात प्रोडक्ट आपको चाइना के मिलेंगे ठीक उस तरह से अगर हम मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सेवेंटी परसेंट मार्केट शेयर जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें चाइना का और थर्टी परसेंट अदर कंट्रीज से आता है और वो क्या आता है हमारी डिपेंडेंसी है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मतलब फार्मास्यूटिकल में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं ना वो चाइना से आते हैं इसका मतलब हम चाइना के लिए एक बहुत बड़े क्लाइंट हैं और ना केवल चाइना से बल्कि पूरे विश्व से भारत में इंपोर्ट किया जाता है आज हम बात करेंगे अगर आप एक इंपोर्टर बनना चाहते हैं तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि, कि किस तरह के प्रोडक्ट्स किस तरह की मार्केट में बेचे जाते हैं अगर हम देखें नेहरू प्लेस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है और यहां पर सबसे ज्यादा इंपोर्टेड चाइनीज और अदर कंट्रीज के आपको प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित मिलने वाले हैं ठीक इस तरह से मुंबई में होम अप्लाइंसिज़ एंड टॉयज़ की जो मार्केट है उसको मनीष मार्केट कहते हैं और मोबाइल फोन इंडस्ट्री भी यहाँ बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है इसके अलावा बुरा बाजार है कोलकाता में जहां पर फैब्रिक एंड क्लोथिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट का काम किया जाता है लाजपत नगर दिल्ली जहां पर गारमेंट्स एक्सेसरी एंड फैशन से संबंधित बहुत सारे मटेरियल को होलसेल में बेचा जाता है और यहां बहुत बड़े इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं अगर आप इनमें से किसी इंडस्ट्री में तो इन मार्केट्स को जरूर विजिट करें और मेरा आपसे यह प्रश्न भी है मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताएं कि और कौन कौन सी भारतवर्ष में मार्केट हैं जहां पर इंपोर्ट के होलसेलर बैठे हुए हैं ये बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो अपने शहर की मार्केट को जानना चाहते हैं तो वो हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं बात करते हैं अगर आप एक इंपोर्टर बनते हैं ना तो आपको क्या फ़ायदा नंबर वन आपके पास वास कंज्यूमर मार्केट हो जाती है क्योंकि इंपोर्ट में ना मैन्युफैक्चरिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है आपको कोई भी मटेरियल जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा उसको आसानी से उस कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं जहां से भी वो मटेरियल मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसको आसानी से इंडिया में बेच सकते हैं साथ ही साथ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट यहाँ नहीं बन रहा वो भी आप आसानी से उपलब्ध कर पाते हैं और कंज्यूमर तक पहुँच पाते हैं तो ज़्यादा रेंज आपको मिल जाती है दूसरा प्राइस जो है ना एंड प्रॉफिट मार्जिन है वो कॉम्पिटेटिवली आपको ज्यादा अच्छा मिल जाता है क्यों क्योंकि वहां कहीं ना कहीं एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट की छाप लग जाती है मोहर लग जाती है जैसे मेड इन चाइना मेड इन इटली मेड इन ताइवान मेड इन जर्मनी मेड इन यूएस ए तो ये जब ब्रांड लग जाता है ना कहीं कंट्री का वो प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो जाती है साथ साथ एवेबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड टेक्नोलॉजी क्या है कि बहुत सारी चीजें ना टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है जो चीज़ें इंडिया के पास नहीं है वो हमारा आसानी से इंपोर्ट करके पूरे भारतवर्ष में बेच सकते हैं आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इस्तेमाल होने वाली जो चिप है ना माइक्रो चिप्स है वो भी अभी इंडिया में नहीं बन रही हैं तो वो इंपोर्ट की जाती है इसके अलावा बिजनेस एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है और जब बिज़नेस एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी मिलती है तो आप आसानी से उसको स्केलेबिलिटी पर ले जा सकते हैं और पूरे भारतवर्ष में इस काम को कर सकते हैं अब बात होती है कि अगर आप एक इंपोर्टर बनना चाहते हैं ना तो बेसिक स्टेप्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो आपको पूरी करनी करें

1956 के अंतर्गत आपकी कंपनी रजिस्टर होती है इसीलिए उनको पता होता है कि ये कंपनी कंपनी फॉर्मेशन के हिसाब से बनी है तो इसीलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए बाकी वो आपकी पर्सनल चॉइस है और उसके बाद क्या है ऑप्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आई ई सी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी इसको कहते हैं अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ना पहले तो बड़ा टिपिकल टास्क था आपको डी जी के यहाँ पर ऑफिस में जाकर फॉर्म भरना पड़ता था या कोई एजेंट होता रहा सारे डॉक्यूमेंट जमा करता था और बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आता था आज तो बहुत आसान हो गया आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ फॉरन ट्रेड डी की साइट पर जाएंगे डी जी एफ टी डॉट जी ओ वी डॉट इन वहाँ पर जाकर इम्पोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे गवर्नमेंट की जो नॉमिनल फीस होती है वो फी करेंगे डिपॉजिट और आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाएगा और उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको दो काम और करने हैं जो मैंने यहाँ मैंशन नहीं किए हैं आपको आर सी एम सी रजिस्ट्रेशन का मेम्बरशिप सर्टिफिकेट लेना है ये क्या होता है कि आप जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इम्पोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं अब ये क्या होता है ई ई पी सी आई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया हर बिजनेस के लिए अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनी है अगर आप उसके मेंबर होते हैं तो हमेशा इम्पोर्ट से रिलेटेड एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहती है और एक डायरेक्टरी भी आपके पास होती है कि उस कंट्री में या आपकी कंट्री में कौन कौन से इम्पोर्टर हैं कौन कौन से एक्सपोर्टर हैं ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है उसके बाद क्या करना है आपने कंपनी बना के सबको स्ट्रक्चर तैयार कर लिया आप कौन सा प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए मार्केट रिसर्च करें सबसे पहले देखें कि जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसकी मार्केट में क्या डिमांड है उस प्रोडक्ट को लेकर कितना कॉम्पिटिशन है उस प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है आगे सेल्स को ग्रोथ करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है कई बार क्या होता है एक ही प्रोडक्ट के इंपोर्टर बहुत सारे भरे हुए हैं तो वहां पर लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत हाई होगा रेशो ऑफ प्रोफिटेबिलिटी कम होगी और ग्रोथ पॉसिबिलिटी भी कम होगी तो ऐसे प्रोडक्ट्स का चयन करें जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम हो प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो और नया इनोवेशन हो जब आप नए इनोवेशन को इंडिया में लेकर आएंगे ना तो आप तेजी से अपने बिजनेस को स्प्रेड ओवर कर पाएंगे जब तक बाकी लोग कॉम्पिटिशन में आए उससे पहले आप एक मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेंगे इसलिए चेक करना बहुत जरूरी रहता है उसके बाद अपने प्रोडक्ट को चूज करें और इंडियन मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है इस पर रिसर्च करें और वो कैसे पता लगेगा उस प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप सैंपल मंगवाएं और सैंपल मंगवाने के बाद मार्केट में जाकर रिसर्च करें कि उसकी क्या डिमांड है उसका क्या प्राइस हो सकता है फाइन उसके बाद एक बिजनेस प्लान बनाएं अभी प्रॉब्लम क्या है बहुत सारे लोग ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई पैसा मेरे पास है मैं इंपोर्ट कर लूँगा और माल बेच दूंगा फ्रेंड्स ग्राहक बनकर माल खरीदना आसान है पर सेलर बनकर माल बेचना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है इसीलिए सबसे पहले मार्केट रिसर्च कर लें कि जो मटेरियल आप इंपोर्ट करने वाले हैं उसकी टारगेटेड मार्केट कौन सी होगी किस मार्केट में बेचेंगे आप और उसके लिए सोर्सिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी आप अपने डीलर नेटवर्क का जो बना रहे हैं या सेल्स का चैनल पार्टनर बना रहे हैं या सेल्स करने का तरीका बना रहे हैं उसकी क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे आपका मार्केटिंग प्लान क्या होगा क्योंकि दुनिया का बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट भी ना जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं होगी उसकी जानकारी ग्राहक तक नहीं पहुंचेगी और ग्राहक तक जानकारी नहीं पहुंचेगी तो वो बिकेगा कैसे तो आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना लें और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी कर लें प्रॉब्लम क्या है कई बार लोग एक बजट बनाते हैं उस बजट में मेटेरियल को इंपोर्ट करने के लिए प्लान कर लेते हैं लेकिन उनके पास बाकी समय पर अपने पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए पैसा नहीं होता इसीलिए माल इंपोर्ट करने के बाद भी उसको बेच नहीं पाते फिर वो माल लॉस में डंप करना पड़ता है इसीलिए प्रोजेक्शन कर ले अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की कि भाई जितना मेटल मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उसको बेचने तक में जो समय लगेगा उसमें सर्वाइव करने के लिए आपके पास कितना फाइनेंस है फाइन उसके बाद आइडेंटिफाई सप्लायर अभी यह क्या इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है आपको लगता है कि ठीक है माल बेचना मुश्किल है खरीदना तो आसान है फ्रेंड्स खरीदना भी मुश्किल है अगर आपको कहीं गलत बाय टकरा जाए गलत सैंपलिंग दे दे मतलब जो सैंपल दिया वैसा मेटेरियल ना आपके पास पहुंचे या आप एडवांस पेमेंट दें आपकी पेमेंट डूब जाए वो मेटेरियल सप्लाई ना दे या मेटेरियल सप्लाई जिस डेट पर देना चाहिए था जिस टाइम पर देना चाहिए था तब नहीं मिला या जितनी क्वांटिटी देनी चाहिए थी वो नहीं मिली या एक तरह से आपको जो प्रोडक्ट और क्वालिटी दिखाई गई थी ठीक वैसा प्रोडक्ट और क्वालिटी आपको सप्लाई नहीं हुई उसके लिए बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है सिस्टम है जिसको हमें फॉलो करना होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप समझ पाएंगे उसके बाद अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो सप्लायर है वो आपको सही तरीके से मेटल प्रोवाइड करेगा उसके लिए क्या करें अटेंड ट्रेड फेयर आज इंडिया में भी ट्रेड फेयर होते हैं जैसे आई टी पी ओ आई टी पी ओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करती है तो वहां बहुत सारी कंट्रीज से लोग आते हैं तो जब आप उनसे वहां मिलते हैं तो आप उनके प्रोडक्ट को देख सकते हैं क्वालिटी को देख सकते हैं या आप उनकी कंट्री में जाके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इससे फायदा क्या होगा आप प्रोडक्ट तो देखेंगे ही देखेंगे उनका फैक्ट्री सेटअप उनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप उनका ट्रेडिंग सेटअप उनका ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ देख सकते हैं उस कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं तो ट्रेड फेयर्स में जाए एक्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करें वहां पर आपको एक्सपोर्टर भी मिलेंगे इंपोर्टर भी मिलेंगे और एक्सप्लोर करें ऑनलाइन ताकि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उन लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा सकें। उसके बाद एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन चैनल एंड नेगोशिएट इन प्राइज आप एक तो एक कम्युनिकेशन चैनल बना लें कि भाई उनको मेल के थ्रू बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू बात कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर रहे हैं जूम पर मीटिंग कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देख रहे हैं सैंपल मंगवा रहे हैं प्राइजिंग पर बात कर रहे हैं क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी इस पर बात कर रहे हैं है ना आपका सप्लायर कैसे आपको मेटेरियल देगा सारी की सारी डिटेल बात कर रहे हैं एडवांस पेमेंट देंगे तो कैसे वो आपको सिक्योर करेगा पेमेंट को कैसे आपको बैंक गारंटी देगा या कैसे वो अश्योर करेगा कि जितनी पेमेंट आपने एडवांस दिया उसके अगेंस्ट वो माल सही समय पर इंस्पेक्ट करने के बाद आपको भेजने वाला है है ना क्योंकि चीटिंग हो जाती है कई बार इंडियंस के साथ कि आपको नॉलेज है नहीं आपने इंपोर्ट करना शुरू किया और आपने वहाँ पेमेंट एडवांस दिया क्योंकि शुरुआत में आपको कोई बाद में पेमेंट पर तो मेटर देगा ही नहीं क्योंकि आपको वो जानता नहीं है और आप किसी को एडवांस दे दें ये सोचकर कि वो माल देगा और वो पैसा लेके भाग जाए तो आपको लॉस हो जाएगा इसीलिए यहाँ बहुत ज़रूरी है कि ठीक तरीके से आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट प्राइजिंग सर राइट कम्युनिकेशन हो आपके पास पूरा चैनल हो उसका और आप सही तरीके से काम कर पाएँ उसके बाद मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यह चैनल आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से अपनी सेल्स क्रिएट कर पाए इंपोर्ट तो आपने एक बार कर लिया लेकिन इंपोर्ट करने के बाद जब तक वो मटेरियल बिक नहीं जाएगा तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा प्रॉफिट इंपोर्ट करने से नहीं होता प्रॉफिट इंपोर्टेड मेटेरियल को बेचने से होता है उसके लिए चाहिए मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जैसे आपके चैनल पार्टनर अभी काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं इंपोर्टर के रूप में काम करते हैं मेटेरियल इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को मेटेरियल दे देते हैं तो आपको चैनल पार्टनर बनाने हैं आपको सेल्स का नेटवर्क बनाना है आपके पास मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है या ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सेल कर रहे हैं या वन टू वन विंडो टू विंडो, विंडो सेल कर रहे हैं या डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं ये सब चीज़ आपको देखनी होगी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर आपने बनाया है तो आपके लिए सेल्स करना और आसान हो जाता है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी सेल कर सकते हैं आपने इंपोर्ट किया आप अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो और इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके माध्यम से आप सेल करें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप सेल कर रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका भी और है क्या कि आपके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव शहर शहर जाते हैं वहां पर लोगों को सैंपल दिखाते हैं जो बिजनेस ओनर हैं और उनके साथ डील करते हैं तो ये ट्रेडिशनल तरीका है वो आज भी इंप्लीमेंट होता है ध्यान रखिएगा किसी भी बिजनेस में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको रूल एंड रेगुलेशन पता हो आपको यह पता हो क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस जो है ना वो उस देश में हमारे कानून नहीं चलते और हमारे देश में उस देश के कानून नहीं चलते तो कानून कौन चलते हैं जो ट्रेड एग्रीमेंट के होते हैं एक देश के दूसरे देश के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वो कानून और नियम चलते हैं इसीलिए आपको लीगल फॉर्मेलिटीज रूल एंड रेगुलेशन रेगुलेटरी सब कुछ पता होना जरूरी है ऐसे बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनके इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है मान लीजिए आप किसी तरह की ड्रग्स को इंपोर्ट करने के लिए दवाइयों को इंपोर्ट करने के लिए कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं सेलर कभी नहीं कहेगा कि आपकी कंट्री में बिकेगा नहीं वो तो ऑर्डर बुक करेगा और आपका भेज देगा पर आपका इंडियन कस्टम है वो माल फंस जाएगा इसीलिए देखना बहुत जरूरी है कि कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट तो नहीं है किसी प्रोडक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड लाइसेंस तो नहीं चाहिए जैसे मान लीजिए आपको लगता है यार मैं तो वेपन्स इंपोर्ट करता हूं मैं तो हथियार इंपोर्ट करता हूं तो आपके पास क्या स्पेशल लाइसेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन है तो वो लाइसेंसिंग आपके पास होने चाहिए परमिट्स होने चाहिए कई प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह के परमिट्स हैं जैसे कुछ लोग पेट्स को इंपोर्ट करते हैं तो पेट्स इंपोर्ट करते हैं तो कुछ पेट्स जो है वो इंडिया में लाना बैन है तो आपको उसकी परमिशन हो वही उस तरह के प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करें उसके बाद टैक्स क्स है जैसे जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए कस्टम ड्यूटी की आपको डिटेल पता होनी चाहिए जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तब तक आप अपने बायर को ऑर्डर तो दे देंगे पर मेटेरियल आपके पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होगी और हो सकता है कई बार आप कानूनी प्रावधान में फंस भी जाए क्योंकि आपको नहीं पता था कि उस प्रोडक्ट पर रिस्ट्रिक्शन है या वो बैन है और आपने वहां से मंगा लिया कस्टम पर आते ही आपको वहां पर मेटेरियल मिलेगा भी नहीं और आपके ऊपर लीगल कार्रवाई भी होना शुरू हो जाएगी उसके अलावा लॉजिस्टिक एंड कस्टम इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा आपने मार्केट में रिसर्च किया कि ये प्रोडक्ट हमारे मार्केट में एक्स प्राइस पर बिक रहा है मान लीजिए मान लेते हैं वो प्रोडक्ट दस रुपये में आपकी मार्केट में बिक रहा है आपने सोचा आठ रुपये का मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ मुझे वहाँ से आठ रुपये का प्राइस मिला दो रुपये मुझे प्रॉफिट होने वाला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जब आपने दस रुपये का सेलिंग प्राइस रखा आपका कॉस्ट प्राइस वहाँ से इम्पोर्ट करने का आठ रुपये का है आपको बाद में पता लगा जब वो मेटेरियल इंडिया में आ जाएगा तो उसको लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई जो कस्टम ड्यूटी आ गई एक्साइज़ आ गया वो छः रुपये आ गया तो आठ और छः चौदह रुपये का आपको प्रोडक्ट पड़ा और आपको पता है वो मार्केट में दस का बिक रहा है इसीलिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि उस पर कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी लगने वाली है कस्टम की रेगुलेशंस पे कितना कस्टम क्लियरेंस पे कितना खर्च होगा और फ्राइट फॉरवर्डिंग पर कितना खर्च होगा तो ये पता होना भी बहुत जरूरी है ताकि आपको सारा खर्चा पता हो शिपिंग एजेंट शिपिंग में कितना पैसा लगेगा एजेंट को हम कितना कमीशन देंगे इंश्योरेंस का कितना पैसा लगेगा हमारे पोर्ट पर इंडिया में मटेरियल आने के बाद जब आईसीडी में आएगा इंडलैंड कंटेनर डिपो पर आएगा तो उसके क्या चार्जेस होंगे और आई से वो मेटेरियल जब आपके वेयर हाउस में आएगा तो कितना खर्चा होगा ये सब कुछ पता होना जरूरी है वरना आप कभी भी राइट कॉस्टिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे आपको लगेगा प्रॉफिट होगा और इंपोर्ट करने पर आपका प्राइस हाई हो जाएगा और आप कॉम्पिटेटिव मार्केट में हार जाएंगे इसीलिए ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उसके बाद है फाइनेंसिंग फ्रेंड्स इंपोर्ट करना एक बात है आपने इंपोर्ट किया ये एक स्टेप है उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है इंपोर्ट करने के बाद में जितनी भी ड्यूरेशन में आपका मेटेरियल बिकेगा उस पूरी ड्यूरेशन का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपको ये देखना है कि क्या वो प्रॉफिट झेल पाएगा या नहीं कई बार क्या होता है आपने इंपोर्ट किया मान लीजिए पचास लाख रुपए का माल ठीक है और उसमें आपका प्रॉफिट है दस लाख रुपए लेकिन पचास लाख रुपए के माल को बेचने के लिए आपको हर महीने मान लीजिए दो लाख रुपए पर मंथ का खर्चा होता आपका है आपका ऑफिस सेटअप है इंफ्रास्ट्रक्चर है सेल्स एंड मार्केटिंग के लड़के हैं और टीम है पूरी है ना और आपने इसको बेचने में लगभग छः महीने लगा दिए तो प्रॉफिट आपका होने वाला था दस लाख रुपए पर खर्च कर दिए आपने बारह लाख रुपए मतलब छः महीने में मेटेरियल बेच भी देंगे तो भी आपको दो लाख का लॉस हो जाएगा तो इसके लिए जरूरी क्या है अपने फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करना और मेटेरियल की राइट कॉस्ट निकालते हुए अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पूरा काम करना ताकि आप अपने सारे के सारे बजट को अपनी कॉस्ट को कवर कर पाएं और एक अच्छा प्रॉफिट वॉल्यूम जनरेट कर पाएं फ्रेंड्स इंपोर्ट करना बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि भारत आर्थिक शक्ति के रूप में केवल तभी मजबूत बन सकता है जब आप इम्पोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करें आज हमारी कंपनी मॉडल किचन एक्सपोर्ट भी करती है ना तो साथ साथ हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं हमारी इम्पोर्ट की क्वांटिटी कम होती है उसमें वैल्यू एडिशन करके जब हम मेटल को बेचते हैं तो एक्सपोर्ट का जो प्राइस है वो ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हम हमेशा सरप्लस में अपने देश को रखते हैं इंपोर्ट की वैल्यू कम और एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा इसीलिए एक्सपोर्ट सरप्लस में रहता है अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश को भी हम सपोर्ट कर रहे होते हैं इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित ना अभी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे क्योंकि बातें सीखना और समझना एक बात है पर रियल प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करना दूसरी बात है और भारत जैसे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहां पर जो कोचिज या ट्रेनर्स अभी काम कर रहे हैं उनमें से 98 एट परसेंट कोचिज एंड ट्रेनर्स प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारी कंपनी मेटास ओवरसीज लिमिटेड इंपोर्ट भी करती है और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं हम पूरे भारत वर्ष में फ्रेंचाइजी और डीलरशिप नेटवर्क के जरिए अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ा रहे हैं अगर आपके मन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो वो प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ वन टू वन बैठकर बात करें पूरा का पूरा प्लानिंग करें तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें और ध्यान रखिएगा कॉल सुबह ग्यारह बजे से शाम छः बजे के बीच में करें ताकि आपकी कॉल प्रॉपरली कनेक्ट हो सके है ना इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित 20 से ज्यादा वीडियो मेरे इस चैनल पर दिए उनको जरूर देखें स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत